तो दोस्तों ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या मस्त बनाया गया है, तो लक्ष्मण झूला देखने को, और ये बहुत मस्त लग रहा रहेगा थीम यहाँ का, और ये देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पर ये झांकी ये मूवमेंट करेगा भाई, ये हिलेगा डुलेगा, ऐसा नहीं कि स्टैचू टाइप खड़ा रह जाएगा आपको यहाँ पर। ये देखो पूरा रूई से ना बर्फीला एरिया बनाया गया है, और उसके बाद भी यहाँ पर एक झांकी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर बनेगा माता का स्टेज। ये देखो जो दोनों लाइट दिख रहे हैं ना इसके बीच में, ये डांडिया के लिए बनाया जा रहा है क्या, ये देखो बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संतु दुर्वे ब्लॉग में, और दोस्तों मैं इस वक्त आ चुका हूँ राजनांदगांव में, और मैं अभी हूँ बसंतपुर के नए गंज मंडी में, और यहाँ पर हो रहा है दोस्तों वैष्णो देवी वाला झांकी। और यहाँ क्या ना दोस्तों, ये तीसरा साल है इनको यहाँ पर माता की स्थापना करते हुए, और पिछले साल भी झांकी रखे थे बोल रहे हैं, और इस साल इनका झांकी का थीम है वैष्णो देवी दर्शन का झांकी। और मेरे पीछे ये देखिए, ये इनका स्टार्टिंग है, और यहीं से गुफा जाने का रास्ता है वैष्णो देवी जी का दर्शन करने के लिए, और आप दुर्गा माता का पंडाल भी देखने आप यहीं से जा सकते हो, और यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, फ्री में आपको दर्शन कराएंगे, जैसे बाकी जगह जो चार्जेस लेते हैं ना वैसा कुछ चार्ज नहीं है, आप फ्री में आके दर्शन कर सकते हो और माता का भी दर्शन कर सकते हो। तो चलो मैं अंदर से दिखलाता हूँ कि क्या क्या तैयारी हुई है, क्या क्या बन रहा है झांकी का। अभी देखो कुछ बच्चे लोग भी आए हैं, बढ़िया फोटो वोटो करवा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं अंदर, आपको दिखलाते हैं किस प्रकार बन रहा है यहाँ का गुफा और झांकी। तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या मस्त बनाया गया है। यहाँ पर ऐसे जड़ और पहाड़ वाला लुक दिया गया है, और सामने में है माता का मूर्त, ये देखो। और अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, ये मैं आप लोग को पहले से वीडियो बना के दिखला रहा हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये देखो पूरा जड़ वड़ से बनाया गया, ऐसा इफेक्ट दिया गया कि ये गुफा पहाड़ की तरह लगे, और ये देखो यहाँ पर पूरा गुफा और पहाड़ वाला इफेक्ट देने की कोशिश किया गया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर गणपति पप्पा जी मिलेंगे, जय गजानन, और उसके बाद से हम लोग को यहाँ पर चल चल के जाना पड़ेगा, और बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा चलना पड़ेगा भाई, बहुत सारा इसमें देखने को मिलेगा आप लोग को, एडवेंचर की तरह एक महसूस होगा कि आपको थोड़ा फील होगा कि हम लोग वाकई में वैष्णो देवी के गुफा में हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये इसका एड्रेस ऐसा बोले जाऊँ तो ये है राजनांदगांव में जो बसंत पारा है, वहाँ पर जो नया गंज मंडी है वहाँ पर हो रहा है वैष्णो देवी वाला झांकी, और यहाँ भी काम चल ही रहा है भाई, लोग काम कर ही रहे हैं अभी अभी। तो फिलहाल यहाँ गुफा में जितना भी सामान रखना है कुछ कुछ रखे हैं, कुछ कुछ नहीं रखे हैं। और ये देखो थोड़ा दूर चलने के बाद आपको यहाँ पर एक खुला स्पेस मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको लक्ष्मण झूला देखने को, और ये बहुत मस्त लग रहा है भाई। चारों तरफ लाइटिंग है, ऐसे पहाड़ बनाए गए हैं, ये देखो बंदर वंदर बैठाए गए हैं, और लक्ष्मण झूला भी मस्त बनाया गया है, और नीचे जो टंकी है यहाँ पूरा पानी भरेगा, पानी बहेगा, और ये देखो इस तरफ झरना की तरह बनाया गया है, ये है झरना, ठीक है, ये झरना की तरह बनाया गया है, और उसके बाद यहाँ नीचे पानी भरेगा, ये देखो इधर दोनों तरफ से पानी झरने की तरह बहता रहेगा, नीचे टंकी में गिरेगा यार, मस्त लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ बताऊँ, खास बात ये है कि यहाँ पर ना कोई टिकट कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये टोटली फ्री है, मतलब कई जगह झांकी रखते तो वहाँ 20, 30 या 50 रुपये या 100 रुपये लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं पूछा समिति वाले भाई लोग से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना झांकी देखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरा फ्री है, आप आराम से आएँ लाइन से मस्त झांकी का आनंद लें। अब चलो आगे चलते हैं और क्या क्या है देखते हैं हम लोग। ये देखो दोस्तों हम लोग ये वाला एरिया पार किए हैं, मस्त और अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ अभी वेल्डिंग का काम चल ही रहा है, भाई लोग सजा रहे हैं, सब काम कर ही रहे हैं, मस्त बना है भाई, पूरा पेड़ पौधा ये सब लगाए हैं। और अभी बीच बीच में ना ऐसा जैसे बंदर बना ना थर्माकोल के वैसे बहुत सारे जानवर, हाथी घोड़ा जिराफ बीच बीच में रखने वाले हैं, और अपन चलते हैं अभी देखते हैं क्या क्या है। देख कुछ भाई लोग भी देखने आए हुए हैं, बढ़िया। और बीच में कलर का ये जो लाइटिंग लगा इसका भी इफेक्ट आएगा, है ना, अभी लाइटिंग सिंपल जल रहा है बता रहे थे, बाद में हो सकता है ये नियोन लाइट लगाए या कुछ कलरफुल रेड ग्रीन ब्लू, थोड़ा सा डार्क रहेगा थीम यहाँ का। और ये देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है भाई, यहाँ पर फील तो बहुत प्यारा आ रहा है भाई, जैसे हम लोग वाकई में कोई गुफा में चल रहे हैं, इस टाइप का फील आ रहा है मेरे को तो यार। ये देखो पूरा घंटियों से सजाया गया है, आर्टिफिशियल घंटी है ये प्लास्टिक की, और यहाँ पर भी कोई मूर्ति रहेगी बोल रहे हैं, देव स्थापना यहाँ पर भी होगा, अभी तो फिलहाल खाली है, फिर घंटी रख दिया गया है। ये देखो यहाँ से कलर चेंज हो गया ना, नियोन लाइट आ गया, नियोन कलर आ गया है। चलते हैं और क्या देखते हैं, ये देखो यहाँ से अब डार्क लाइट आ रहा है,
मतलब ये कलर भी चेंज होता रहेगा तो आपको एक मस्त फील आएगा। देखो यहाँ पर शायद फायर इफेक्ट देंगे नीचे से, ऐसा लगे कि आप जो अंगारे में चलते हैं ना, कोयले के अंगारे टाइप का कुछ बनाएंगे, ऐसे बोल रहे थे, इसके ऊपर से आप लोग चल के जाओगे ऐसा कर। और यहाँ पर भी एक बर्फ़ वाला हिस्सा भी आएगा, बर्फ़ वाला हिस्सा भी बनाएंगे बोल रहे थे। और ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, अभी कुछ तो नहीं रखे। हाँ यहाँ पर एक माता रखे हैं, ये भी शायद झांकी है, हिलेगा डुलेगा शायद ये अभी चल। यहाँ पर ये झांकी है, मूवमेंट करेगा भाई, ये हिलेगा डुलेगा, ऐसा नहीं कि स्टैचू टाइप खड़ा रहेगा। चलिए ओ ये वाला देखो यार, पूरा बर्फ़ वाला फील देगा आपको यहाँ पर। ये देखो पूरा रूई से ना बर्फीला एरिया बनाया गया है। और सबसे यहाँ की खास बात बताऊँ मैं, जब बात के समिति वाले बोले ये जो थे कपड़े हैं ना, यहाँ से आपको ठंडा ठंडा हवा भी आएगा बोले हैं। मतलब जिस अगर आप इस जगह पे पहुँचोगे तो आपको कूलिंग वाला महसूस होगा, ठंडा ठंडा हवा आएगा, तो इससे आपको ना पूरा बर्फ़ वाले एरिया में आया गया ऐसा लगेगा। ये पूरा रुई से बनाया गया, ये देखो रुई वुई लगा हुआ है, ये देखो पूरा रुई। और उसके बाद भी यहाँ पर एक झांकी देखने को मिल जाएगा, अभी और रखेंगे यहाँ पर, अभी सैंपल के लिए एक ही झांकी रख दिया गया है। लेकिन यार ये बर्फ़ वाला एरिया बहुत प्यारा लग रहा था भाई देख के। चलिए और क्या क्या देखने को मिलेगा देखते हैं, अभी तो अपन चल ही रहे हैं बढ़िया। और गुफा भी मस्त बनाए हैं यार, सब बांस की टोकरी से बनाए हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है यार। ये देखो यहाँ से डार्क इफेक्ट आ गया रेड वाला, ऐसा लग रहा है हम लोग कोई गहरे गुफा में जा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा दूर आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको माँ वैष्णो देवी को दर्शन करने को मिलेगा। ये देखो हमारे कलाकार लोग भाई यहाँ पर थोड़ा स्टेज को सजा रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर यही रही ना जी वैष्णो देवी माता, यहीं मेन फिगर यही है, मेन फिगर यही है। हाँ मेन फिगर यही रहेगा है नहीं, तो वो वैष्णो देवी बना थो कि बन गए वो? नहीं वो सामने पास रखा हुआ है उजरी। अच्छा यहीं बाहर रखा हुआ है ना, उसको फिर ला के यहाँ स्थापना करेंगे है ना। चलो ये देखो फिर बड़ी दुर्गा मूर्ति तो उधर अंदर रहेगी। हाँ इसके बाद है जस्ट। चलो ठीक भाई करो करो, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से अपन को ऐसे चढ़ने वाला बनाया है, उसके बाद आपको दुर्गा माता जी का पंडाल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अपन थोड़ा सा हाइट में आ गए, यहाँ पर भी एक स्थान बना है सर, यहाँ पर भी कोई मूर्ति स्थापित करेंगे। वो देखो ये स्टैचू यहाँ रखा है, इसी को स्थापित करेंगे। और ये अपन आ चुके हैं मेन पंडाल में, ये देखो पंडाल बहुत प्यारा सजा है भाई। ये देखो पूरा रेड कारपेट टाइप का पूरा डेकोरेशन है चारों तरफ, ऊपर झूमर उमर लगा है, ये देखो पूरा फूलों की सजावट है भाई। और यहाँ पर बनेगा माता का स्टेज, ये देखो जो दोनों लाइट दिख रहे हैं ना इसके बीच में, अभी यह खुला है, इधर से माता को अंदर लाएंगे, उसके पीछे फिर पैक करेंगे। अभी माता लाई नहीं है, बीच में लोग जाके लाएंगे। और पंडाल तो बहुत प्यारा बना रहे भाई, पूरा रेड रेड कलर से कपड़े सजाए हैं, झूमर उमर तो बहुत मस्त लग रहा है भाई। ये फूल भी पूरा रेड रेड है यार, बहुत प्यारा सजा रहे भाई लोग, देखने में बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा आप लोग भी अगर आएंगे तो यहाँ। और यहाँ पर ना दो गेट बन रहा है बोले थे, आप दर्शन करने के बाद ना ये गेट से निकलोगे तो आप सीधा जाओगे कहाँ, मेले की ओर। और ये गेट जाने के नहीं, ये गेट बना है वीआईपी लोग के लिए आने के लिए। ये देखो ये गेट से अपना वीआईपी लोग आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, जिनको वो नहीं देखना है झांकी। और ये देखो कितना प्यारा सजाया गया है वीआईपी गेट को भी। तो चलो अपन ये वाले गेट से निकलते हैं, और इस गेट से आप बाहर निकलोगे तो सीधा आओगे आप इस मैदान में, जहाँ पर आपको चारों तरफ लाइटिंग और झूला देखने को मिलेगा। इस तरफ अभी झूला बंद है, डांसिंग झूला है, आकाश झूला है, और जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं चौपाटी वाला इस तरफ लगेगा। और ये वाला सिचुएशन देखकर मेरे को लग रहा है कि ये डांडिया के लिए बनाया जा रहा है क्या है, देखो बीच में खंभा है, या गरबा के लिए, जो भी समथिंग हो देखते हैं क्या बनेगा। तो जब दुर्गा माता स्थापित होगी उस दिन पता चल जाएगा। और बाकी सजावट तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई, तो आप लोग भी आइए यहाँ दर्शन कीजिएगा जिस दिन दुर्गा माँ स्थापित होगी 3 तारीख को, उस दिन से झांकी चालू हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर पूरे थर्माकोल से एनिमल बनाए हैं, देखो शेर है, जिराफ, ये सब लोग को अंदर बीच बीच में रखेंगे। ये देखो तो गोरिल्ला बना है, बंदर, ये देखो शेर है, हिरन है, जिराफ है, ये भाई बना रहा पूरा कलर कर रहा है मस्त। ठीक है दोस्तों चलिए अपन यहाँ से निकलते हैं।
तो हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी जी के गुफा से बाहर। आपको भी देखना है तो 3 तारीख को आइए। 3 तारीख से झांकी स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन माता की स्थापना होगा उस दिन से। और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं है, कोई फीस वीस नहीं ली जा रहा है, पूरा निःशुल्क है। आप झांकी का आनंद लीजिए, माता के दर्शन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।